My name is Seema. I am your GK teacher. Today I will teach you chapter number 8, Custom of India. Custom of India का मतलब भारत के रीति रिवाज जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. आपने अलग अलग स्टेट के रहन सहन को देखा होगा. जैसे फिलहाल अभी हम कोटा के अंदर हैं. कोटा आता है राजस्थान के अंदर. तो राजस्थान की बोली, राजस्थान के रीति रिवाज, राजस्थान का पहनावा, ओढ़ावा और यहाँ का खान पान बाकी स्टेट से बिल्कुल अलग होता है. ठीक उसी तरह से जैसे ही आप किसी अलग अलग स्टेट में जाएंगे सभी की सभी चीजें अलग अलग है. क्या क्या डिफरेंस होता है? पहला, एक तो उनकी ड्रेस अलग होगी. दूसरा, उनका खाना अलग होगा. थर्ड, उनके रीति रिवाज अलग हो गए. एंड फोर्थ इज लैंग्वेज ये डिफरेंट होगी. जैसे अभी हम राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान की लैंग्वेज राजस्थानी हुई. पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी बोली जाएगी. और अगर आप केरला में जाएंगे साउथ इंडिया में तो वहाँ पे तमिल लैंग्वेज का यूज किया जाता है. है ना? इट मीन्स पीपल ऑफ अ डिफरेंट स्टेट ऑफ अवर कंट्री पुट ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस. यानी हर स्टेट में अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहने जाते हैं, अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है, अलग अलग तरह के उनके रीति रिवाज. यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्रेसेस के बारे में. ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस को शो किया गया है. यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए. सॉरी, तो यहाँ पर भी देखिए. यहाँ पे आपको देखते हुए स्टेट का नाम लिखना है कि कौन सी लेडीज ड्रेसेस कौन से स्टेट में पहनी जाती है. आपने पंजाब में देखा होगा कि वहाँ की लेडीज सूट सलवार पहनती है. राजस्थान में आपने देखा होगा कि घाघरा और चोली पहना जाता है. बिहार में देखिए तो वहाँ पे साड़ी पहनी जाती है. असम में आप देखिए तो वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है. ठीक उसी तरह से हर स्टेट की अपनी अलग अलग एक ड्रेस होती है जिससे वो पहचान हो जाता है. आप इस फिगर में इसे पहचानेंगे और उसके नीचे. You have a new message.